अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मजार, आप देख रहे हैं एसएसए के न्यूज। चलिए दो मिनट विजुअल ले लेंगे सब 2 मिनट। टिपला थोड़ा सामने आई बस है। सलाम अलैकुम। आज बहुत ही पुरअमन शांति के साथ रैली निकाली गई है। शहर हैदराबाद एक अमन का शहर है। इस शहर में अमन का पैगाम तमाम दुनिया में दिया जाता है। इसी तरह ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां पे ईरान में एक अमन का परचम लहराया जाता है। इस परचम तले ही अमन के पैगाम को लेकर आगा कासिम सुलेमानी साहब ने पूरी दुनिया में फैलाने के मकसद से वो अपना पैगाम पहुंचाने के लिए तमाम मुकामात पर दौरा करते हैं। इसी दौरान इस अमन के पैगाम को अगर सारी दुनिया में फैला दिया जाए तो अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर अमेरिका के सदर के ने अपने एक दहशतगर्दाना फिक्र को लेकर उन पर हमला करके उन्हें दहशतगर्दाना हमला करके उन्हें कत्ल करवा दिया गया है। क्योंकि एक अमेरिका ही एक वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दों को पना देता है और फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और एक एक तबके को तैयार करके तमाम ममालिक में दहशतगर्दों को भेजता है और कहता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका काम करता है। मगर ऐसा नहीं है, अमेरिका ही दहशतगर्दों के पना देता है, दहशतगर्दों को पैदा करता है। तो ईरान से एक अमन का पैगाम फैल रहा था, उस पैगाम को रोकने के लिए अमेरिका ने यह दहशतगर्दाना हमला किया और इस बात का सबूत दिया है अमेरिका ने कि अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जो अपनी दहशतगर्दाना हमले को हमला करते हुए ये बता दिया कि एक हमला दहशतगर्दों का हमला है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस अमन पसंद रैली को अलावे शर्तों हैदराबाद से लेकर बारगाह मासूमीन पहुँचा है, जहाँ पर आगा कासिम सुलेमानी साहब के सोग में एक मजलिस बरपा हो रही है। इंशाअल्लाह ताला हम बराबर के शरीक है आगा कासिम सुलेमानी साहब के सोग में। शैतान लईन रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा मिर्ज़ा के अहले बैत मिर्ज़ा जाफर हुसैन खिलजी, गवर्नमेंट शिया सदर काजी हैदराबाद दक्कन, आप तमाम नाजरीन से मुखातिब हूँ। सबसे पहले उस खालिक का जिक्र करूँगा जिसने हमको खल्क फरमाया, जो हमारा परवरदिगार है, जो कुल शैन खदीर है, जिसकी कुदरत हर शय पर है। उस परवरदिगार ने जालिम पर, जालिमीन पर कुरान मजीद में लानत पड़ी है और मजलूम की ताईद का जिक्र फरमाया। तो इस बात की दलील है कि जो भी जालिम होगा अल्लाह की उस पर लानत है और जो मजलूम होगा अल्लाह उसके साथ है। तो आज हम इसी एक ऐसे मजलूम के ताल्लुक से एहतजाजी रियाली हैदराबाद दक्कन में यौमल जुमा के दिन अलावे शर्तों के मुबारक से अहतमाम किए हैं। खामोश रियाली का बड़ा ही कामयाब रियाली रही।
हमने एहतजाज किया है उस मजलूम के लिए जिसका नाम कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह और महदी मुहंदिस है। एक ऐसे शख्स हैं, तमाम कलमा पढ़ने वाले मेरे भाई अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम को चाहते हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी अकीदत रखते हैं। तो अब अहले बैत के रोज़ों की हिफाजत करने में जिसका सबसे बड़ा किरदार रहा वो कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी में कासिम सुलेमानी ने रोज़ों की हिफाजत में गुजारी हैं और जालिम का दिफा करके मजलूमों को बचाया है दाइश जैसे मलूनों से, मजलूमों को, सिर्फ शिया नहीं बल्कि गैर शिया तमाम गैर मुस्लिम जितने भी थे इराक में, तमाम मजलूमीन इस वक्त यकीनन उनके अश्कबार होंगे, उनके आँख उनको याद करके, क्योंकि ऐसे जालिमों से नजात दिलाने में बड़ा किरदार रहा कासिम सुलेमानी का। बस आखिरी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इस बात की दलील है कि हम हिंदुस्तानियों में भी हमारी बहनें जो नर्सें थी जो ममलकत इराक़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी, जो बहुत ही परेशान थी जब हालात ख़राब हो चुके थे, ऐसे अवकात में भी उनको छुड़ाने में भी कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा ही बड़ा किरदार अंजाम दिया। तो इतनी दुआएं थी, इसीलिए अब इससे मैं जो बात बार बार कह रहा हूं कि 60 से 70 साल की ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं देख रहे हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि जितने भी दुनिया में बड़े से बड़े लोग गुजरे हैं, क्या किसी के जनाजे में लाखों की तादाद में इस तरह से लोग जमा हुए? नहीं हुए। सारी दुनिया में किसी के बारे में इतना एहतजाज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हर मजलूम कल्ब जो है कासिम सुलेमानी के लिए दुआ गो है। परवरदिगार, मैं मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन खिलजी हैदराबाद दक्कन गवर्नमेंट शिया सदर क़ाज़ी हूँ, आप तमाम की खिदमत में यकीनन दावत हक दे रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह को जवार सैयदुश शहदा में जगह इनायत फरमा, तमाम शहदाओं को अपने परवरदिगार अपने जवार में जगह इनायत। हमारा बड़ा ही ताउन किया, तमाम मीडिया वालों का ममनून मशकूर।